तो आज का हमारा टॉपिक है मिल्न प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये हमारे पास कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमें इसमें क्या करना होता है, तो हमें एक पर्टिकुलर हमें कोई वैल्यू एक्स की गिवन है, तो हमें उस वैल्यू के ऊपर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। कैसे, जैसे हमें ये y2 गिवन है 1, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये है x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 2 है। जब x इज इक्वल टू 2 था तभी तो हमारे पास y इज इक्वल टू 1 आया, है ना। ऐसे ही अगर हमारे पास x3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हमारे पास x की वैल्यू तो है और हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, कब, जब हमारे पास x की वैल्यू गिवन है। यही है कि हमें कोई भी x की वैल्यू, अगर कोई पर्टिकुलर x की वैल्यू गिवन है, तो हमें उसके ऊपर क्या y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। मिल्न प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम इसको टेलर सीरीज से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम इसको पिकार्ड्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पिकार्ड्स मेथड, हम इन दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं मिल्ने प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले हम उसे टेलर सीरीज से सॉल्व करेंगे, फिर हम उसे पिकार्ड्स मेथड से सॉल्व करेंगे, तो दोनों से आंसर हम मैच करेंगे कि कहाँ कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है दोनों के आंसर में। देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वाई 0.4। देखो वाई 0.4, एक पर्टिकुलर एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर हमें वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है यूजिंग मिल्स मेथड। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, देखो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और साथ में क्या गिवन है, वाई 0 इक्वल टू 1। मैंने आप लोगों को बताया था ये वाला, या तो हम y0 इक्वल टू 1 बोलते हैं, या तो हम y नॉट इक्वल टू 1 बोलते हैं, या तो हम y इक्वल टू 1 बोलते हैं। तीनों में से अगर कुछ भी गिवन हो तो तीनों ही सेम होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज टेलर सीरीज टू गेट द वैल्यू ऑफ y पॉइंट 1, y पॉइंट 2, y पॉइंट 3। इन तीनों की वैल्यूज हमें किससे फाइंड करनी है, हमें यहाँ पे टेलर सीरीज से इन तीनों की वैल्यूज को हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे टेलर सीरीज आ गया, तो पहले हमें टेलर सीरीज के बारे में देखना पड़ेगा कि टेलर सीरीज कैसी होती है। ठीक है, चलो अब जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें y0 गिवन है, वो 1 है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, और हमें नेक्स्ट क्या बोला गया है कि x इज इक्वल टू 0.1 पे भी फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 0.2 पे भी फाइंड करना है, और x इज इक्वल टू 0.3 एंड x इज इक्वल टू 0.4 पे भी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम अब इसको एक सिक्वेंस में लगाते हैं, ये हो गया एक्स नॉट, ये हो गया एक्स वन, ये हो गया एक्स टू, ये हो गया एक्स थ्री, ये हो गया एक्स फोर। जब ये एक्स नॉट एक्स जीरो है तो हम इसे एक्स नॉट बोलते हैं, है ना, बोला था ना मैंने इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, इसे हम एक्स नॉट भी बोल सकते हैं, वाई नॉट भी बोल सकते हैं, सॉरी, ठीक है, वाई नॉट भी बोल सकते हैं। जब ये वाई नॉट है, वाई नॉट इज इक्वल टू 1 है, तो एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हमें पता चल गया 0 है। ठीक है, अब देखो अब हम सॉल्व करेंगे, पहले हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, ये y डैश इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स को एक्स वाई डैश भी बोलते हैं। ठीक है, y डैश मीन्स y का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अब है टेलर सीरीज, देखो टेलर सीरीज में y इक्वल टू वाई नॉट प्लस h अपॉन ओनली h y नॉट डैश प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y नॉट डबल डैश प्लस h क्यूब
फैक्टोरियल 3, वाई नॉट ट्रिपल डैश, ऐसी ये सीरीज चलती रहती है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमें वाई नॉट की वैल्यू गिवन है, गिवन है ना वाई नॉट की वैल्यू। अब हमने इससे आगे की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वाई नॉट के बाद क्या आएगा, वाई वन आएगा, मीन्स हमें वाई वन की वैल्यू फाइंड करनी है। और वाई वन मीन्स क्या है यहाँ पे, जो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है वाई 0.1, है ना। देखो ये यहाँ पे जो पॉइंट है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा ध्यान से समझो। ठीक है, ये वाई वन हमें फाइंड करना है क्योंकि हमें वाई नॉट इक्वल टू वन गिवन है, तो इसके आगे वाली टर्म फाइंड करनी है वाई वन। वाई वन्स मीन वाई 0.1 हमें फाइंड करना है ना फाइंड। ठीक है, हो गया। अब देखो जब हम इसे लेंगे वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, देखो हम यहाँ पे वाई वन के लिए फाइंड कर रहे हैं, बोला था ना ये इक्वली है, इसको हम वाई वन भी बोल सकते हैं जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब हम वाई वन के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो इससे प्रीवियस वाई नॉट एक्स नॉट वाई नॉट वाई नॉट, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, देखो एक्स नॉट मीन्स ज़ीरो, वाई नॉट मीन्स वन, वाई नॉट मीन्स वन, तो वाई नॉट डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई है वन। ठीक है, देखो यहाँ पे टेलर सीरीज, देखो वाई नॉट डैश की वैल्यू हमें निकालनी है, ये हमारे पास है, ये हमने निकाल दी है। अब हम इसकी निकालेंगे वाई नॉट डबल डैश और वाई नॉट ट्रिपल डैश की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कैसे करना है फाइंड, देखो हमें पता वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर था ना, तो वाई डबल डैश कितना हो जाएगा, वाई डबल डैश इसको डिफ्रेंशिएट करो, एक्स वाई डैश प्लस वाई प्लस टू वाई वाई डैश, इसको डिफ्रेंशिएट किया इतना आ गया ना, वही हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है वाई नॉट डबल डैश की वैल्यू निकालनी है ना, तो नॉट 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 लगा दिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करो तो कितना आ जाएगा, वाई नॉट डबल डैश की वैल्यू सारी फॉर्म पुट करो कितना आएगा, तीन आ रही है। ठीक है, देखो वाई नॉट डैश की वैल्यू वन आ गई, वाई नॉट डबल डैश की वैल्यू थ्री आ गई है। अब निकालो वाई नॉट ट्रिपल डैश की वैल्यू, ठीक है, जो ये है इसको क्या डिफ्रेंशिएट कर दो, करो एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस वाई डैश प्लस टू वाई वाई डबल डैश प्लस टू वाई डैश का स्क्वायर, होगा ना ये। अब आप इनमें ये सारी वैल्यूज पुट करोगे एक्स नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो और वाई नॉट इज इक्वल टू वन, तो पुट करने के बाद कितनी आ रही है, वाई नॉट ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, टेन आ रही है ना। देखो हमारे पास तीनों वैल्यू हो गई, वाई नॉट डैश की वैल्यू वन, वाई नॉट डबल डैश की वैल्यू थ्री और वाई नॉट ट्रिपल डैश की वैल्यू टेन। चलो सारी वैल्यूज पुट कर दो, वाई वन इक्वल टू वाई 0.1, बोला था ना दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं, करो पुट, वाई नॉट की वैल्यू थी वन प्लस, देखो यहाँ पे एच, तो एच हम क्या लेंगे है, एच क्या होती है, देखो डिफरेंस होता है किसके बीच का, यहाँ पे एक्स के बीच का, देखो एक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो से, फिर गया 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3, फिर 0.4 जा रहे हैं ना, मतलब हमें यहाँ पे इन सारी वैल्यूज़ में हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, जो एक्स की वैल्यूज़ गिवन है इनके, इन पे हमें वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है 0.1 है ना, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1, तो करो इसे यहाँ पे सॉल्व, वन प्लस एच मीन 0.1 और वाई नॉट की वैल्यू कितनी थी वन प्लस इसका स्क्वायर 0.01 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू वाई वाई नॉट डबल डैश का 3 था,
प्लस इसका क्यूब h का क्यूब 0.001 अपॉन फैक्टोरियल 3 मीन्स, तो फैक्टोरियल 3 मीन्स 6 मल्टीप्लाई y नॉट ट्रिपल डैश मीन्स 10। ठीक है, इस सबको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है 1.1167। ये किसकी वैल्यू आई है, 1y1 इक्वल टू y 0.1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट किसके लिए निकालना है, y 0.2 के लिए। ठीक है, अब देखो जब हम y 0.1 के लिए निकाल रहे थे या y 1 के लिए निकाल रहे थे तो सारी वैल्यूज क्या ले रहे थे, इससे प्रीवियस। तो जब हम इसके लिए निकालेंगे तो इससे तो सारी वैल्यूज क्या लेंगे, इससे प्रीवियस मीन्स x 1 लेंगे और y 1 लेंगे। ठीक है, तो करो y 1 डैश, ठीक है, y 1 डैश क्या आएगा, वही x 1 का एंड y 1 प्लस y 1 का स्क्वायर आएगा नहीं, ये अब वैल्यू सारी पुट करो तो ये आ रहा है 1.3587। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक पॉइंट और नोटिस करनी है। यहाँ पे देखिए जब भी हम कोई इक्वेशन लिखते हैं, जैसे हमने लिखा ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो हम ऐसा क्यों लिखते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई, क्योंकि ये एक्स वाई का फंक्शन होता है। ठीक है, और इसे हम ओनली एफ से भी डिनोट कर सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो अगर ये होगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वाई नॉट, तो हम इसे किसका फंक्शन बोलेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स नॉट फंक्शन ऑफ वाई नॉट, और इसे हम एफ नॉट से डिनोट करेंगे ना। वैसे यहाँ पे देखो अगर हम फंक्शन ऑफ एक्स वन वाई वन, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, एक्स वन प्लस वाई वन, और इसे हम फंक्शन ऑफ वन से भी डिनोट कर सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे फंक्शन कैसे आता है, ये जब होता है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स मीन्स वाई डैश होना चाहिए, डिफ्रेंशिएट वही होता है फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे है तो मीन्स क्या होगा, जब y डैश इक्वल टू, जैसे हमारे पास एक फंक्शन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर फंक्शन है ना, तो हम इसे फंक्शन ऑफ f भी बोल सकते हैं, है ना। अगर ये फंक्शन नॉट का होता इज इक्वल टू एक्स नॉट वाई नॉट प्लस वाई नॉट का स्क्वायर, तो होता फंक्शन ऑफ f नॉट। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ वन डैश मीन्स फंक्शन ऑफ वन, ये पूरा फंक्शन वन का होगा और इसे हम डिनोट करेंगे फंक्शन ऑफ एफ वन। ठीक है, ये बातें मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे फॉर्मूले में आपके यूज़ है। तो हम देखो यहाँ पे आ गया ना एफ वाई वन डैश, आ गया ना वाई वन मीन्स डिफ्रेंशिएट हो रहा है ना वन का, तो इसे हम क्या नेम देंगे, फंक्शन ऑफ वन। ठीक है, तो मीन्स क्या, ये वाई वन डैश की वैल्यू भी यही है और फंक्शन ऑफ वन भी यही है, हाईलाइट कर देना ये कि फंक्शन ऑफ वन यही है। ठीक है, अब देखो वाई वन डबल डैश, डबल डैश हमने पहले निकाला था y नॉट डबल डैश जो y डबल डैश जो आया था, अब उसमें हम क्या रख देंगे, सारी वैल्यूज मतलब x1 y1 की सारी वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा फिर सॉल्व करने के बाद आएगा 4.2871। ऐसे सिमिलरली y1 ट्रिपल डैश इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 16.4131। ठीक है, देखो हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई है, हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई है, हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई है, हमारे पास ये तीनों वैल्यू आ गई है। तो निकालो अब y2 के लिए मीन्स y 0.2 के लिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 प्लस h y1 डैश प्लस h स्क्वायर फैक्टोरियल 2 y1 डबल डैश प्लस h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री वाई वन ट्रिपल डैश। निकालो सारी वैल्यूज रखो इसमें, और सारी वैल्यूज रखने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1.2767। ठीक है, वाई 0.2 ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालेंगे हम वाई 0.3 के लिए। ठीक है,
और 0.3 के लिए क्या होंगी, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम y3 भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए x y की वैल्यू क्या होंगी, जस्ट इससे प्रीवियस थी जो, मीन्स x2 एंड y2 होंगी ना, x2 एंड y2। ठीक है, x2 मीन्स क्या, जो हमने स्टार्टिंग में गिवन थी ना, जो क्वेश्चन में ही गिवन है कि x2 की वैल्यू कितनी है 0.2 एंड y2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी है। ठीक है, सेम प्रोसेस है, सेम है, सारी प्रोसेस ऐसे ही करनी है, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कितना y 0.3 या y3 की वैल्यू। रुको, ये वाला नहीं, यहाँ पे एक स्टेप लिखना है पहले। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसके लिए भी हम निकालेंगे y2 का डैश। ठीक है, इसके लिए निकालेंगे y2 का डैश। ठीक है, मीन्स क्या है, जो हमारा y डैश है उसमें हमें क्या थी y डैश की वैल्यू, xy + y2, इसमें हमें ये वाली वैल्यूज पुट करनी है, x की 0.2 एंड y की ये। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.8853। ठीक है, अब मैंने क्यों बोला यहाँ पे स्टेप के लिए जानना ज़रूरी है हमें, देखो अभी मैं प्रीवियस में क्या बोला था कि y1 डैश को हमने f1 बोला था, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, f2। ठीक है, क्योंकि फंक्शन ऑफ 2 है, 2 है ना फंक्शन ऑफ 2, देखो फंक्शन ऑफ 2 सारी x2 y2 y2 की हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी है, इसलिए क्या हो गया ये फंक्शन ऑफ 2। ये वाली वैल्यू भी याद रखना, ठीक है, इसे भी हाईलाइट कर दो। ठीक है, आ गया, अब ऐसे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे ऐसे हम निकालेंगे y2 डबल डैश एंड y2 ही ट्रिपल डैश। ठीक है, कितना आएगा ये y2 डबल डैश, कितना आ रहा है ये 6.4677। अब y2 ट्रिपल डैश कितना है सॉल्व करने के बाद, 28.6875। ठीक है, अब देखो ये कैलकुलेशन आप खुद ही करना। ठीक है, सारी वैल्यूज, ये वैल्यूज पुट करते रहना y डबल डैश y ट्रिपल डैश में, तो आपकी ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, देखो तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, तो अब क्या टेलर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं y3 के लिए, मतलब y 0.3 के लिए। ठीक है, अब इसके लिए भी चेंज हो जाएंगी, 3 है तो इससे प्रीवियस वैल्यू 2 + h y2 की डैश प्लस h² / 2 y2 का डबल डैश प्लस h³/3 y2 का ट्रिपल डैश। ठीक है, रख दो सारी वैल्यूज, तो कितनी आ जाएंगी y3 = y 0.3, कितनी आएंगी इनकी वैल्यू है सारी, इस वाले फंक्शन में रखने के बाद आ रही है हमारे पास 1.5023। ठीक है, सारी वैल्यूज y2 की वैल्यू, ठीक है, y2 डैश की वैल्यू, y2 डबल डैश की वैल्यू, y2 ट्रिपल डैश की वैल्यू, सारी वैल्यूज यहाँ पे रखी, h सेम ही रहेगा, 0.1 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम ही है। ठीक है, अब हमने ये निकाल दिया, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि y 0.1 y 0.2 एंड y 0.3 की वैल्यूज फाइंड करनी है, किससे, बाय टेलर थ्योरम। ठीक है, टेलर्स थ्योरम से हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी थी, जो हमने कर ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला गया था, y 0.4 की वैल्यू फाइंड तो करनी है, पर किससे, मिल्न मेथड से। ठीक है, अब देखिए हमें y 0.4 की वैल्यू फाइंड करनी थी किससे, बाय मिल्स प्रेडिक्टर करेक्टर फॉर्मूले से निकालनी थी। ठीक है, अब देखो अब हम निकालेंगे, तो पहले इसके जो मिल्न प्रेडिक्टर करेक्टर फार्मूला होता है उसके भी क्या होते हैं, दो फार्मूले होते हैं। देखो प्रेडिक्टर का फार्मूला तो ये होता है जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब बचा करेक्टर का फार्मूला। ठीक है, करेक्टर का फार्मूला होता है y4 = y2 + h/3 f2 + 4 f3 + f4। ठीक है, ये होता है आपका
करेक्टर का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे F3 है प्रेडिकेटर के, ठीक है F3 है, और यहाँ पे F3 भी है और F4 भी है, ठीक है। तो पहले हमें F3 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब आपको तो याद है, देखो जब हम F1 की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, F1 की, तो फंक्शन ऑफ 1 मीन्स X1 Y1 प्लस Y1 का स्क्वायर कर रहे थे ना, तो ऐसी F3 कैसे निकलेगा, फंक्शन ऑफ 3 क्या होगा, देखो X3 Y3 प्लस Y3 का स्क्वायर, ठीक है ठीक है। आपको पता है X3 कितना है 0.3 मल्टीप्लाई, अभी Y3 अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था 5023 आया था ना, प्लस 1.5023 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो F3 कितना आ गया हमारे पास पूरा सॉल्व करने के बाद, 2.7076 आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, F1 की आ गई है, F2 की आ गई है, F3 की आ गई है। अब मीन्स प्रेडिक्टर फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। देखो Y4 इक्वल टू क्या था मीन्स प्रेडिक्टर फार्मूला, Y4 इज इक्वल टू Y0 प्लस 4H/3 टू F1 माइनस F2 प्लस 2F3 था ना। अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो, Y4 Y0 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 थी, प्लस 4H की वैल्यू थी 0.1/3 2 इंटू F1, F1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 1.3587, ठीक है, माइनस F2 की वैल्यू कितनी आई थी 1.8853, प्लस F3 की वैल्यू अभी निकाली हमने 2.7076। अब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Y4 की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आएगी 1.8297, ये हमारे पास Y4 की वैल्यू आ गई है। देखिए प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ Y4, Y4 की जो वैल्यू आई है ये है, मीन्स ये क्या है Y0.4 की वैल्यू, ठीक है। अब देखो जो हमारा करेक्टर फार्मूला था, ये था ना हमारा करेक्टर फार्मूला, Y4 इज इक्वल टू Y2 प्लस H/3 F2 प्लस 4 F3 प्लस F4 था ना हमारे पास, ही यहाँ पर हमें F4 चाहिए था, तो वही फंक्शन ऑफ 4 का X4 Y4 प्लस Y4 का स्क्वायर, ठीक है। सारी वैल्यूज़ यहाँ पर रख दो, देखो यहाँ पे हमें Y4 की वैल्यू चाहिए थी, तो Y4 की जगह हमें ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ गया है F4। अब Y2 की वैल्यू, H की वैल्यू, F2 की, F3 की, F4 की वैल्यू पुट करो, तो Y4 हमारा कितना आएगा यहाँ से 1.836989, ये समथिंग आएगा हमारे पास, ठीक है। तो हो गया द करेक्ट वैल्यू ऑफ Y, ठीक है। Y की करेक्ट वैल्यू किस में, X=0.4 में, एट X=0.4, 0.4 में Y की करेक्ट वैल्यू कितनी है 1.836984, ठीक है। देखो प्रेडिकेटेड वैल्यू में से हमें Y4 की वैल्यू निकल मिलती है, जो हमें नेक्स्ट किसके लिए यूज़ होती है, करेक्टर फार्मूले में, ठीक है। इसलिए हमें प्रेडिकेटर वैल्यू फाइंड करनी होती है ताकि हम उसका यूज़ कहाँ कर सकें, नेक्स्ट करेक्टर फार्मूले में, जिससे हमें लास्ट में क्या हो, वाई की करेक्ट वैल्यू फाइंड हो जाए। यही था आपका मिल्न प्रेडिकेटर करेक्टर फार्मूला, ठीक है, बाय टेलर्स थ्योरम।